लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? कब उठेगा, कब निकलेगा वो? आपने ट्रेन का टाइम कंफर्म किया? हाँ भाई, चेक कर लिया है, टाइम पर है। लेकिन मैं तो अब भी बोल रहा हूँ कि क्या जरूरत है, अरे क्यों दिल्ली जा रही है बिना बात के, यहीं पढ़ाते हैं ना। आपने उसे छोड़ने जाना है ना। अरे मैं क्यों जाऊँगा, ये कोई टाइम है ये सब बातें करने का? चलो नाश्ता करो। मैं तो तैयार हूँ, जिसे जाना उसे बुलाओ। Decide we could toss a coin. Oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, oh. We could go, the world could reach. Just come away to another place with me. हाँ हाँ पिंकी बोल, क्या? If you don't like what is yours, you could have what's mine. यार पिंकी का घर खाली है, उसके मम्मी पापा अंबाले गए हैं, यार मुझे बुला रही है यार। About the night and stars, we could just walk away. But there's too many rules we are yet to break, too many promises, many mistakes we gotta make. We gotta make what we can. So let's go. अच्छा अरे जल्दी करो कुछ।
I love you. ये कैसा प्रपोजल था? बहुत ही ठंडा था ये तो. कुछ इंटरेस्टिंग करो ना. प्रियतम, मैं तुम्हारी प्रेम की दीवानी हूँ. मेरा दिल तो पागल है. इसमें तो कुछ कुछ होता है. ऐ मेरे दिलवाले, प्लीज अब तुम दुल्हन ले जाओ. I love you too. Hey प्रियतमा, मैंने भी प्यार कर लिया. Although मैंने सोचा नहीं था तुम्हें देख के इतना बेताब हो जाऊंगा. बट ये आजकल का लव नहीं, बगैर जरा की कसम. कयामत से कयामत तक I love you too. अच्छा Hi Akaash, English honors. Vani, me too. Me too. Class. बच्चे इंट्रो. आकाशवाणी. नाम पूछा है, रेडियो स्टेशन नहीं. वाणी आकाश. खैर वो जाने दो, जैसा कहें वैसे करना. इन दोनों को देखो. चवन्नी, अठन्नी रुपया. सीख गए? शुरू. चवन्नी, अठन्नी रुपया. चवन्नी, अठन्नी रुपया. क्या हो रहा है ये? Hi. Let's have some introductions. Sali. Hey. Achcha tha. Thank you, bol. ठीक है. क्या भाई? Shit. Dress code यार. What the hell? Why? कितनी hot तो लग रही हूँ मैं. बड़ी गरम जी, बड़ी गरम. मेरी तो ना बचपन से फैंटेसी है. सुंदर लड़कियाँ, दो दो चोटियाँ और तेल. तेल ही तेल, तेल ही तेल, तेल ही तेल. क्या हो रहा है? बेवॉच देख रहे हैं. ये बेवॉच है? इतना ढका हुआ? ऐसी औरत सब काम यही करेगी? कॉलेज है ये, थोड़ी तो इमेजिनेशन यूज करो. वैसे यार आजकल लड़कियां ना इंटरेस्टिंग नहीं रह गई. ये भी कोई फिगर है? एकदम सीधी. एक वक्त था जब शायर लिखते थे तेरी कमर के बल पे नदी मुड़ा करती है. आज क्या लिखें जब कमर ही नहीं रही? मेरी नदी तो सुबह ही मुड़ गई थी. कैसे? वाणी से पूछ. अरे कुछ नहीं, वाणी ने मुझे देखा और बस मुझसे पहली नजर में पहला प्यार. लव यू भी हो गया. तुम्हें कैसे पता पहला है? दूसरा तीसरा प्यार. दूसरी तीसरी. चाय भी नहीं मिलेगी? उसी की पीना, पहले वाले की. हेलो. हाय हन्नी, क्या कर रही हो? ये कोई वक्त है शरीफ लड़कियों को फोन करने का? ओ शरीफ लड़कियां, शरीफ लड़कियां इस वक्त तक सो जाया करती हैं. और वैसे भी शरीफ लड़कियां दूसरा तीसरा प्यार नहीं करती हैं. लॉन्ड्री करने जा रही थी इसलिए चकी हूं. लॉन्ड्री करने? कूल, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूं. वानी, मैंने बहुत सोचा और डिसाइड किया कि मुझे दूसरा तीसरा भी चलेगा. और अगर चौथा पांचवा हो तो? शिट वानी, सीरियसली मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी. कतई छिछोर किस्म की लड़की हो यार तुम तो. खैर अब दिल आया गधी पर तो परी क्या चीज है. मैं गधी हूँ? हो, लेकिन बड़ी प्यारी गधी हो. सावन के अंधे को हरियाली दिखती है. वो तो है, मैं हूँ इतना प्यारा कि मुझे सभी प्यारे लगते हैं. Thank you.
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ए बी सी डी। कैसे हो तुम? टू बी और 32 बी, दैट इज द क्वेश्चन। आई एम नेवर डूइंग लॉन्ड्री विद यू। इवन बेटर, जस्ट गिव देम टू मी, आई विल डू देम। आई लव पिंक। तुम हमेशा वाहियात बातें क्यों करते हो? कभी कोई तमीज की बात भी कर लिया करो। वानी वानी वानी, ये तमीज वमीज सब मोहमाया है। तुम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? नंगे चले आए थे, नंगे ही चले जाओगे। वानी, इन सब बातों से बाहर निकलो, ऊपर उठो, आगे बढ़ो। नदियों में नहाओ, खेतों में हगो, जागो वानी जागो, इस झूठे सपने से जागो। Shut up. जाग जा मेरी बच्ची, जाग जा। Shut up. Crazy lover, ha, baby, I, your crazy lover. Oh, baby, I, your crazy lover. Smiling, me climbing tower. Oh, me climbing a tower, a tower. Oh, me climbing a tower, a tower. Oh, me climbing a tower, a tower. Oh, me climbing a tower. Tower very tall, oh my baby tall. Tower very tall, oh my baby. I call it, you call it flower. Crazy lover, yeah, 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 yeah. Oh my baby, hug, hug, hurry. I your teddy, warm and furry. Let love, let dove be dove. I will glow you, don't you worry. Phul jhadi, oh, I horse, you horse. Baby, I, you're crazy सुनो तो यार। नहीं सुनी तेरी वाहियात बात। वाहियात नहीं है, मैं बदल गया हूँ। I'm a changed man. और एकदम तमीज़दार बात है। सुन लो यार, सुन लो। चल सुना। ऐसे कैसे? थोड़ा प्यार से। सुनाइए। इरशाद कीजिए। इरशाद? तेरी जुल्फों से छनती आती, बल्ब की रोशनी को देख ऐसा लगा
जैसे किसी झरोके से चांद झांक रहा। What? ये बल मुझे भी चाहिए, ये चांद वाला, ये लगाना मुझको। लड़के, तेरी शायरी में ना जोर ना है, इश्क ना किया दिखे तूने कभी। Let me show you how it's done. Ladies, इशारा। हमने जो की थी मोहब्बत आज भी है, तेरी जुल्फों के साए की चाहत आज भी है, रात कटती है आज भी ख्यालों में तेरे, दीवानों सी वो मेरी हालत आज भी है, किसी और के तसव्वुर को उठती नहीं बेईमान आंखों में थोड़ी सी शराफत आज भी है, चाह के एक बार चाहे फिर छोड़ देना तू, चाह के एक बार चाहे फिर छोड़ देना तू, दिल तोड़ तुझे जाने की इजाजत आज भी है। वाह 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 वाह, क्या बात कही है, वाह। कुछ सीखिए, सीखिए कुछ। हो गया तुम लोगों का, मूवी देखने चले? मूवी नहीं यार, मुझे मामी के यहाँ जाना है, फिर बहुत लेट हो जाएगा, कभी और। क्या? ओके बाय, हाय गॉट टू गो। वो कहते हैं कभी और, कभी और होता नहीं, दिल भी तो नादान उनके सिवा कहीं और खोता नहीं। हम मांगते हैं एक सांस, एक धड़कन, एक निगाह, वो कभी और दे जाते हैं, पर ये कमबख्त कभी और होता नहीं। सुन, तू अकेले जा रही है? और क्या, अब मुझे इतनी रात को कौन छोड़ने आएगा? नहीं तो आना, I'll drop you. Give me 2 minutes. रुक, मैं भी आ रही हूँ। Bye, good night. Good night. Dude, what the? What? शेखू, 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 ये नारकली हमारी है। तो अब सोने जाओ, हम चले जाएंगे छोड़ने। Sure. Good night. हाय शेखर, कहाँ है? उसे 10 लग गए तो मैंने कहा तू परेशान मत हो, आराम से वानी को मैं छोड़ाऊंगा। व्हाट, यू डोंट बिलीव मी? टॉयलेट है, आवाज सुनिए। चले, गिव मी 2 मिनट्स। चले, अच्छी लग रही हो। बड़ी जल्दी याद आया। जो लोग तुरंत बोलते हैं झूठ बोलते हैं, आंख भर के देखने में वक्त लगता है। क्या सोच रहे हो? मुझे लगता है सबसे ज्यादा मेहनत ये कुछ नहीं सोचने में लगती है, लोग सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ यही सोचते हैं। ऐसे मेरे बारे में सोच रही हो तो आई डोंट माइंड ना। यू विश। आई डू। वानी, आई डू। अरे बाबा, आई डू। Just go so far away, no one could know. Just be the two, just you and me, where the clouds and rainbows meet. You make it better to the words I say,
You fit like melody. You make it warmer. Cause when I see you, I see you here with me. चलो तुम अंदर जाओ, मिलते हैं मंडे को. मंडे को या होगी या कल शाम. मंडे सुबह. गुड नाइट. Sit next to you. Do you know? जाने क्या बात है उसमें जो मुझे किसी और में नजर नहीं आती. क्या कशिश है उन आंखों में कि मैं नजर हटा नहीं पाती. क्या है जो मुझे हर पल हैरान किया करता है. क्या है जो मैं तसव्वुर से मिटा नहीं पाती. हाय. वेयर आर यू? क्लास ट्रिप मनाली जा रही है. हम जा रहे हैं ना. मुझे पहाड़ बहुत पसंद है. ऑफ कोर्स आई लव हिल्स. You know what? What? I love hills. Where do? Yeah, I know. Listen, इससे अच्छा chance नहीं मिलेगा. पहाड़, ठंड, romantic मौसम, और क्या चाहिए? बोल देना. तू? दमी को. तैयार होने दे. यार लड़कियां सुबह सुबह कितनी सुंदर लगती है ना. अबे मेरे आशिक. अच्छा सुन, आज कह देना जब भी मौका मिले मैं सुबुल की अटेंशन डाइवर्ट करूंगा. तू बोल देना. कूल. डरमी डरमी कूल. मेरी वजह से देर हो गई. अरे कोई नहीं, वैसे भी क्या करना था इतनी जल्दी जाके. चले चलो. अबे क्या हुआ, ठंड में जबान जम गई क्या?
अब सुन, मैं सुम्बुल को अपने पास बुलाता हूँ, तू बोल देना। पर ऐसी पर्सनल बात बीच बाजार में अच्छा लगता है क्या? साले गुस्सा हो गई तो लोग समझेंगे उसे छेड़ रहा हूँ। अबे सही है, यहाँ चिल्लाएगी किसी को समझ भी नहीं आएगा क्यों चिल्लाई। हाँ सही है, कितनी छोटी छोटी आंखें, किसी को सुनाई भी नहीं देगा। सुम्बुल ये देखना। वानी, मुझे तुमसे कुछ कहना था। बोलो। हाँ? बोलो ना। ये शॉल तुम पे काफी अच्छी लग रही है। गिफ्ट करो मुझे, करो गिफ्ट करो। सर 2000 ओनली। खुल गई आंखें। आ गए मरवा के। क्या जवाब दिया उसने? जवाब क्या दिया होगा, तुम हो इतने बड़े फट्टू, तुमसे कुछ कहा ही नहीं गया होगा। तुमसे बड़ा चूप मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तुम साले किसी लायक ही नहीं हो। दम दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। दफा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। आकाशवाणी नेक्स्ट सीन शुरू। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। दोबारा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। कहो। मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि क्या है? Shit. I can't believe it. चलो चलो छत पे चलते। तुम लोग चलो, आई सी योर कैंडल। छप गई खबर।
से छोड़ी हमने ऐसी यारी के जलती है जो देखती है क्लास सारी। हया शर्म से छोड़ी हमने ऐसी यारी के जलती है जो देखती है क्लास सारी। दीवारों पे भी बस 2 महीने फिर मैं अलग तुम अलग। काश लाइफ यूं ही कट जाती, ये आगे पढ़ने का चक्कर, जॉब का चक्कर। लाइफ यूं ही काटने के लिए अभी बहुत मेहनत करनी है। पढ़ोगे नहीं तो जॉब कैसे करोगे? जॉब नहीं करोगे तो मम्मी पापा से बात कैसे करोगे? और मम्मी पापा से बात नहीं करोगे तो शादी कैसे होगी? और शादी नहीं होगी तो हनीमून पे कैसे जाएंगे? तुम्हें शादी इसलिए करनी है? और क्या? वैसे जाएंगे कहाँ? कहीं भी, बस कद्दा अच्छा होना चाहिए। कहीं दूर जाएंगे, पहाड़ों में, जहां ज्यादा भीड़ ना हो, खूब ठंड हो, बर्फ हो,
खिलती धूप हो, एकदम ऊंचाई पे जाके एक कॉटेज हो, जहां सुबह जब सूरज निकले तो सबसे पहले रोशनी मेरे कमरे में आए। सबसे पहले या सबसे बाद में? ओके ओके। कच्ची सड़क हो जहां मॉर्निंग वॉक के लिए जाए, और उस सड़क पे आगे जाके एक छोटी सी चाय की दुकान। चाय? चाय। Why? और चाय के बाद तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। एक झील हो जहां बोटिंग करें, और जहां मैं बादलों को छू सकूं। स्कूल में लड़कियां मुझे बादल ही बुलाया करती थी, एक लड़की ने तो ऐसे छुआ मुझको कि। और शाम को जब हम लौट रहे होंगे तो अचानक से बारिश शुरू हो जाएगी, और हम भीगते हुए भाग के एक छोटे से छप्पर के नीचे के छुप जाएंगे, और वहां और वहां से एक अच्छी सी जगह कैंडल लाइट डिनर करने जाएंगे, और फिर लौट के आराम से लकड़ियां जलाएंगे, सात रजाई में बैठ के हाथ सेकेंगे। और सो जाएंगे। कोई ना, तुमने इतना सोच लिया काफी है, बाकी की चिंता तुम मुझ पे छोड़ दो। हाँ, तुम्हें जो करना है तुम अकेले कर ही लोगे, तुम मुझे क्या चिंता। देखेंगे। क्या देखोगे? सही है, अभी तो बड़ी बॉन्ड बन रही हो, तब देखेंगे जब मम्मी पापा को बताने की बात आई, तब बोलना से की ना गलत टाइम पे गलत बात। पता नहीं मेरे पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, मम्मी का तो कुछ नहीं पर पापा। कब बताने की सोच रही हो? जब तुम दीदी की शादी में आओगे तब मिलवा के, होपफुली तब सब खुश भी होंगे तो चांसेस बेटर होंगे। और अगर उन्होंने ना कहा तो? पता नहीं, अच्छा लिसन, तुम्हें ये हनीमून एग्जैक्टली ऐसी चाहिए या थोड़ा आसपास का चलेगा? चलेगा। तो सुनो, दूर एक वीरान रैंच पे जाएंगे जहां हमारे और घोड़ों के अलावा और कोई ना, जहां हम बेधड़क होके दिल विल सब खोल खुले भागे, आमों के पेड़ों और हम फुदक फुदक के आम तोड़े, और एक तालाब हो जहां हमारी चुम्मा चाटी देख खड़ियाल भी शर्मा जाए। घटिया ही रहोगी तुम। अरे इसमें घटिया क्या है, हनीमून पे जाके करने क्या है? और डार्लिंग, हनीमून इज अ थ्री लेटर वर्ड, एस ई ए के बेबी, इट्स अ फोर लेटर वर्ड, एस यू सी। Thank you.
तो एक काम कर, बाकी की जो लड़ियां ना वहां उस कोने में लगा लेना, ठीक है, भर जाएगा। अच्छा सुनिए, जरा शिवानी को फोन करके देखिए तो कहाँ रह गई, 2 घंटा कह के गई थी अभी तक नहीं आई, 8 बजने वाले हैं। ये मेहंदी वाली भी कब से आए बैठी है? अरे दोस्तों को मिलने गई है, आ जाएगी। तब तक एक काम करो, बाकियों को मेहंदी लगवा लो। हैं? सब मिला के 125 हो गए। 125 कैसे हो गए? You know what I miss most? What? तुम्हारा पेट, सॉफ्ट, कुशनी, गुदगुदा। सिर्फ पेट ही मिस कर रहे हो? अरे मिस तो क्या-क्या कर रहा हूँ? लेकिन बोलूँगा तो सोचूँगा। और सोचूँगा तो बड़ा ही हार्ड हो जाएगा। तू रहे ना? Then तो I'll have to come. To you. अच्छा है। प्रैक्टिस हो रही है तुम्हारी। अभी ओके चले जाओगे तो 2 साल खुद ही करना पड़ेगा। मैनेज। तुम भी कहीं चले जाओ, कर लो तैयारी एमबीए की। इस साल निकल लो किसी तुम इसकी जगह। हाँ हाँ, तुम तो बोलेगी तुम्हारा जाना जो पक्का हो गया। कब जा रहे हो? 15 दिन बाद। अब स्काइप पे रोमांस मारेंगे। जाने से पहले तुम्हें मम्मी पापा से मिलवाना है। मैंने दीदी को बताया तुम्हारे बारे में, उनके रिएक्शन ने तो मुझे और भी डरा दिया। क्यों, क्या बोले वो? ज्यादा कुछ नहीं, बस उन्हें लगता है पापा को कन्विंस करना इम्पॉसिबल है। खैर तुम लोग पहुंच रहे हो ना परसों? वाणी, आकाश मम्मी बुला रही है, बाद में बात करते हो। बाय। दीदी आइए ना, आप भी मेहंदी लगवा लीजिए। दीदी आ जाए फिर साथ में लगाते हैं। हवा कास्ट की प्रॉब्लम थी। आजकल कौन सोचता है यार कास्ट वास्ट के बारे में? मैं 2 हफ्ते में जा रहा हूँ। टिकट्स भी बुक हो गए। तो मिलना तो हो नहीं पाएगा। इस वक्त तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि इन्हीं विंटर ब्रेक्स में आ जाऊं। आकाश मैं रखती हूँ, आई विल कॉल यू लेटर। ठीक है, यू टेक केयर। लेकिन समझ नहीं आता कैसे हुआ इतनी अच्छी, मतलब शिवानी जैसी बच्ची के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है? कभी सोचा ना था। मैं तो जब भी वानी को देखती हूँ यही सोचती हूँ, कम से कम ये तो सोचा होता कि घर में एक बहन और भी है। माँ चलो। मम्मी अब सुनती हैं क्यों उनकी बातों को? उनका तो काम ही यह है, वो तो बिना बात के बोलती रहती है। लेकिन क्या गलत बोल रही है वो? जो भी बोल रही है सही बोल रही है ना? संदीप बता रहा था कि उसने मॉल में देखा था किसी के साथ 2 हफ्ते पहले, लेकिन अब पता तो चलता नहीं है ना कि कौन है। सोचा कोई फ्रेंड वेंड होगा। अब आजकल के बच्चों की दोस्ती भी तो इतनी ज्यादा है कि पता ही नहीं चलता कि फ्रेंड है या। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। हमें तो यही था कि शादी हो रही है तो माँ बाप बच्चों को कितने प्यार से पाल पोछ के बड़ा करते हैं, लेकिन बच्चे एक बार भी नहीं सोचते, क्योंकि एक गलती
57 साल की इज्जत बच्चों को इस सरा माँ बाप की इज्जत नहीं उछालनी चाहिए बेटा। प्यार करती थी और हमारे प्यार का क्या क्या दो साल का प्यार हमारा 24 साल के प्यार पर तुम्हें बता दे नहीं तो भी किसी तुम्हारी तैयारी कैसे चल रही है? बस चल रही है। घर पर कुछ सीन ठीक हुआ? नहीं यार, ठीक करना भी चाहे तो कोई करने कहाँ देता है। 6 महीने होंगे पर Have you thought of telling uncle auntie about us? अभी नहीं। I don't think they can take it yet। बताना तो पड़ेगा ना कभी ना कभी। हाँ पर ऐसी कोई जल्दी भी नहीं है ना। Right. Shall I have a class? I'll call you after it. Suno. Love you. Love you too. आज सुबह ही ऑफिस में बात हुई। रवि भाई साहब के एक चचेरे भाई हैं कानपुर में, उनका लड़का है। IIT कानपुर, IIM में पास आउट हुआ है। बेंगलोर के इंफोसिस में 16 लाख का पैकेज है। पर इतनी जल्दी? अच्छे लोग हैं, अच्छा घर है। सुधा, मैं इसे और टालना नहीं चाहता। वो MBA करना चाहती है, फिर उम्र ही क्या है उसकी? एक की चाहत का नतीजा देख चुका हूं। वो लोग संडे को आ रहे हैं, बता दीजिएगा। से बाद में बात करूं? ओके, मी टू।
You're kidding, right? नहीं आकाश, तुमने उन्हें बताया नहीं कि I can't. मैं नहीं कर सकती. क्या नहीं कर सकती? अगर अभी नहीं बता सकती तो just buy some time. बोल दो अभी शादी नहीं करनी. मैं इन्हीं हॉलीडेज में आता हूँ. It's not that simple. ऐसे इतने दिनों बाद मम्मी पापा खुश हैं. तुम चाहते हो कि मैं फिर कैसी बेवकूफों जैसी बात कर रही हो वाणी? और हम God damn it, what about us? मैं आ रहा हूँ. कैसे भी नहीं आकाश, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे. ये डिसीजन लेने का हक तुम्हें अकेले नहीं है, ये मेरी भी लाइफ है. I'm sorry. I love you. लेकिन अपने मम्मी पापा से ज्यादा नहीं. Bullshit, Vani, ये कोई कंपटीशन नहीं है. Okay, let me come and then we'll talk. नहीं, मैं नहीं चाहती तुम यहाँ और एक और तमाशा खड़ा हो. I can't make my parents go through it again. So, this is it. 4 साल की रिलेशनशिप एक फोन कॉल पे खत्म. Don't make it more difficult for me. तुम मुझे समझो. मैं क्या समझूं वाणी, मैं क्या समझूं कि मेरी लाइफ के 4 साल एक पल में बेमानी है? कि मैंने पिछले 4 सालों में अपनी लाइफ के बारे में जो कुछ भी सोचा वो मुझे भूलना होगा, बदलना होगा? या ये समझूं कि मैं जिस रिलेशनशिप के चारों ओर अपनी लाइफ का सपना बुन रहा हूँ वो रिलेशनशिप भी एक सपना था, आग खुली और टूट गया? सपना तो मेरा भी टूटा है. पर क्या वाणी, क्या बस ये समझ लो कि मैं हमारा सपना तो तोड़ सकती हूँ लेकिन अपने मम्मी पापा का दिल नहीं. वाणी भाई आकाश, वाणी आकाश, आई थिंक वाणी कुछ भी कहे तुझे आना चाहिए. नहीं, मुझे ऐसी लड़की से कोई रिलेशनशिप नहीं रखनी जिसमें ये कहने तक की हिम्मत नहीं दैट शी लव्स मी. क्या बकवास कर रहा है? यू नो दैट्स नॉट. नहीं सुंबुल, अगर उसे लगता है कि उसे ऐसा करना चाहिए, अगर उसे लगता है कि दिस इज राइट, अगर वो त्याग की मूर्ति बनके अपने माँ बाप के प्रति अपना फर्ज निभाना चाहती है तो ठीक है, उसे ऐसे ही करना चाहिए. अगर वो एक बार भी बिना मिले इतनी आसानी से ये रिलेशनशिप खत्म कर सकती है तो मैं भी उसे इस बात के लिए कन्विंस करने नहीं जाऊंगा कि वो मुझे ना छोड़े. मैं उसके लिए औरों से तो लड़ने के लिए तैयार हूं लेकिन उसका प्यार पाने के लिए उसी से लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं. उसको बोलना कार्ड जरूर भेजे, आखिर 4 साल में इतना तो बनता है. सोच के मैं जिसको हंस लेता हूँ, हो सोच के मैं जिसको हंस लेता हूँ, इत्तेफाक था एक मजाक था तेरा मेरा नाम, इत्तेफाक था एक मजाक था तेरा मेरा नाम. हो सोच के मैं जिसको हंस लेता हूँ, हो सोच के मैं जिसको हंस लेता हूँ, इत्तेफाक था एक मजाक था तेरा मेरा नाम, इत्तेफाक था एक मजाक था तेरा मेरा नाम.
इत्तेफाक था एक मजाक था तेरा मेरा नाम इत्तेफाक था एक मजाक था तेरा मेरा नाम कल की बासी यादों में रखा रद्दी चेंज करके आते हैं। ऐसी अच्छी लग रही हो। प्लीज रवि। पता है वानी, मैं तो कब से यही पूछ रहा हूं कि तुझ जैसे को इतनी सुंदर लड़की कहां से मिल गई। चल चल ड्रिंक बना। ओके वानी यू हैव नहीं मैं नहीं पीती। सच में कभी नहीं पी? कॉलेज में दोस्तों के साथ दो तीन बार बस। कुछ स्नैक्स वगैरह अरेंज कर दो। जी तो कुछ मामला आगे बढ़ा? नहीं यार मैं खुद ही नहीं चाहता। शुरुआत में थोड़ा मैं बातचीत में थोड़ा कंफर्टेबल होने में और एक दूसरे को जानने में बिताना चाहिए। ये बात भी है। और क्या क्या किया तुमने बता दो। दारू पीने के अलावा कॉलेज में और क्या क्या ट्राई किया बता दो। कुछ नहीं वो भी बस दोस्त। अकल नहीं है तुम्हें?
अब तुम ये भी सुनवाओगी कि मेरी बीवी शराब पीती है। अगर नहीं है कल की क्या बोलना तो मुंह बंद रखा करो। अब सोएंगी या एक पैक चीनी इनके लिए भी? क्या सो गई थी क्या? इतनी देर लगती दरवाजा खोलने में? आज काफी देर हो गई। हम दोस्तों के साथ बैठ गए, देर हो गई। आपसे पूछ के जाएंगे अगली बार। हेलो, हाय, चाय बना दो। क्या खाना लगा दो? क्यों, सोना है? नहीं तो? तो तुम्हें दिख नहीं रहा चाय पी रहा हूं। ऐसा क्या काम कर लिया तुमने दिन भर जो इतना थक गई तुम? मैंने कहा कुछ कहा आपसे? कहा कुछ नहीं, लेकिन बड़ा एहसान है तुम्हारा कि दो वक्त का खाना खिला देती हो। हाथ जरा देर हो गई तो मैडम की नींद खराब हो गई। आप सो जाइए, मैं खुद कर लूंगा गर्म खाना। इसके अलावा ये मत रहना कि बहुत बड़ा कोई काम करती हो, मैं मैनेज कर लूंगा। चाय में चीनी डालेंगे पैसे लोगी क्या? भूल गई, लाती हूँ। रहने दो, एक चाय नहीं बनती सही। दिन भर मरो फिल्म के। खाना लगा दो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बना रखा है, अब ले लेंगे खुद। क्या हुआ? I got down today. दर्द थोड़ा ज्यादा है, बना रखा है, बस गरम कर लीजिए। These bloody beers are never a problem when it comes to going out to having fun. हमने अपनी माँ को तो कभी कहते नहीं सुना कि आज खाना खुद लेना पड़ेगा क्योंकि बेटा वहाँ है। अब जाइए, मिलाते हैं। दर्द ठीक हो गया? आप सो जाइए, मैं ले लूंगा। अब ठीक है? पक्का ना, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा इसी बात को। पानी। आज मम्मी पापा का फोन आया था, कह रहे थे बड़े दिन हो गए, काम टूर आ जाओ कुछ दिनों को, अगले महीने चलेंगे, वो लोग भी खुश हो जाएंगे। आज माँ का फोन आया था, कह रही थी कुछ दिनों के लिए आ जाओ।
आपसे बात हुई थी, बता रही थी। अपने गांव से हम दिवाली वही मनाएंगे। एक काम करो तुम, अब की बार लंबी चली जाओ, एक बार अच्छी तरह रही आओ ना। आप तुम्हारा दिल नहीं लगता ना यहाँ, तो अपने माँ बाप के पास ही रहो ना। ये रोज रोज के नाटक क्यों करने हैं? आप ही ने तो माँ से कहा। तो क्या कहता? तुमने जानबूझ के कहलवाया उनसे जिससे मैं बुरा बनूं। तुम्हें खुद में अकल नहीं है? जी बना देती हूँ। जाने दो, गिनती से एक ज्यादा बना लिया करो। अच्छा सुनो, नेक्स्ट वीक मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, आईएसबी में एक हफ्ते का कोर्स है, उस हिसाब से सामान वगैरह पैक कर देना। आई वॉज थिंकिंग अब सब सेटल हो ही गया है और आप भी सुबह जल्दी चले जाते हो, तो दिन में तो कुछ करने को होता नहीं है, तो यहाँ कोई अच्छा सा कॉलेज देख के एमबीए कर लूँ। क्या जरूरत है, जॉब तो करनी नहीं है, तो क्यों करना है? Still, और वैसे भी एंड ऑफ दिस ईयर फैमिली स्टार्ट करनी है, और उसके बीच में जल्दी वानी, मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को पहले क्लियर कर दिया था, कैन नीड हाउस वाइफ, और एक बार बच्चा होगा तो ये बेकार की फितूर भी नहीं आएंगे तुम्हारे दिमाग में। और हाँ, अशोक कह रहा था सैटरडे को फिल्म देखने चलने के लिए, टिकट बुक करवा दी उसने। बाय। खाना लगा दो। तुम चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा। आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आपसे पूछ के ही तो गई थी और फिर खत्म ही अभी पूछ के नहीं, बता के पूछना एक नाटक था, तुम्हें पता था तुम्हारी दोस्त के सामने मैं तो मना करूंगा नहीं। कोई नहीं, तुम घूमो आराम से अपने दोस्तों के साथ। मेरा दोस्त नहीं था, कीर्ति का था, मुझे तो पता भी नहीं था वो भी आ रहा है। ये तो और भी अच्छी बात है, आप अनजान लोगों के साथ रात के 11 बजे तक बाहर घूम रही है। आखिर आप मुझसे चाहती क्या है? मैं क्या चाहता हूँ भाई, तुम बता दो तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी भी अपनी बहन की तरह कोई चाहत है तो बता दो। अब इसमें मेरी बहन कहाँ से बीच में आ गई? खून तो एक ही है ना। खून तो किसका कैसा दिख रहा है? अपना सामान बांधो और निकलो। दिस इज माई हाउस, या रहना है तो मेरी तरह रहो वरना मत रहो। समय का टॉर्चर, हर वक्त बदतमीजी, मैं नहीं रह सकती उसके साथ। उन्होंने मारा तुम्हें? नहीं मां, फिर हर छोटी छोटी चीज पे झगड़ा, हर बात में प्रॉब्लम, और ऐसा भी नहीं कि मैं ट्राई नहीं करती, बट कुछ भी करूं इस हाल से उसको शौक है लड़ने का, मेरा दम घुटता है उसके साथ। तुम चिंता मत करो, हम बात करेंगे, ये सब तो होता रहता है, सब ठीक हो जाएगा। पिछली बार भी बात की थी, उससे सिर्फ इतना हुआ कि और लड़ाई हुई कि मैं बदनाम कर रही हूं उसे, मैं नहीं रह सकती। अब तुम हर छोटी छोटी बात पर लड़कर घर आ जाओगी तो उन्हें बुरा तो लगेगा ही ना। आप उसी की तरफदारी कर, हम बात कर लेंगे। सुनिए, अब के आप जरा ध्यान से बात करिएगा, ये तीसरी बार है पिछले 6 महीनों में
सुबह गोयल भाभी मिली थी, वो भी पूछ रही थी कि सब ठीक है ना। मैं बात करता हूँ रवि जी से। किसी दिन भाभी जी और भाई साहब को भी तुम लेकर आइए रवि जी। जी जरूर, वो तो आपके बारे में पूछते रहते हैं। ये क्या आपने कुछ लिया ही नहीं? ये लीजिए। जी ले। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ पापा। सारे रास्ते बस यही सोचा था कि कैसे फेस करूँगा आपको। आपको तो पता है छोटी मोटी लड़ाई होती रहती है, गुस्से में कह दिया था, अब हो जाता है, दिल पे नहीं लेना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हम समझते हैं। हमें लगता है आप लोगों को फैमिली बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। वाणी का भी मन लगा रहेगा और ये छोटे मोटे झगड़े भी अपने आप खत्म हो जाएंगे। जी वो तो मैंने वाणी पे छोड़ रखा है, जब वो तैयार हो तभी, उससे पहले। चले वाणी, तुम कुछ खा तो लो फिर चलते हैं। आज जाना जरूरी है क्या? अब आए हैं तो दो चार दिन रुक के चले जाते। मम्मी अब तो आना पड़ गया, अगली बार जैसे ही दो तीन दिन की छुट्टी पड़ेगी मैं और वाणी साथ में आएंगे। भूली गई है, तेरे मामा आ रहे थे यहाँ किसी काम से। मैंने कहा मैं भी साथ चलती हूँ, इसी बहाने तुझसे मिलना भी हो जाएगा। झूठ बोल रही है, मैंने कहा चलो। कैसी हो? मामा जी नमस्ते। नमस्ते। अरे बस बस। मामा जी नमस्ते। नमस्ते बेटे, जीते रहो। कैसे हैं आप? बस बढ़िया है। और बता कैसी है तू? एकदम बढ़िया। आप? मुझे क्या हो? तेरी एमबीए प्लान का क्या हुआ? फैमिली वैमिली स्टार्ट करने के बारे में तो नहीं सोच रही ना अभी से? नहीं, रवि डजंट सी एनी नीड ऑफ मी डूइंग एन एमबीए। ही सेज मैं कमा रहा हूं ना, तुम मजे करो। तो दिल्ली आ रही है ना तेरे एलुमनाई मीट के लिए? सुंबुल सर शी टोल्ड यू? हाँ, फोन आया था उसका, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं आ पाऊंगी। क्यों? यू शुड मिस इट। हो नहीं पाएगा, ये मानेंगे नहीं और मेरा अकेले जाना शायद इन्हें अच्छा ना लगे। रवि, हम सोच रहे थे अगर हम कुछ दिनों के लिए वाणी को अपने साथ ले जाएं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं? वो क्या है, कॉलेज के बाद से आई नहीं है ना वो घर पर। जी मुझे क्या दिक्कत हो सकती है, आपकी बेटी है, आप ले जाइए। मामी फिर कभी, अभी घर पर भी। फिर कभी कभी कुछ नहीं, रवि ने कह दिया ना तो बस। रवि बता रहा था कि वो एक हफ्ते के लिए हैदराबाद जा रहा है, तो तुम यहाँ अकेली करोगी क्या? तुम हमारे साथ चल रही हो बस, जब रवि वापस आ जाएगा तब तुम आ जाना। इट्स ओके ना? जी जैसा भी। इट्स सेटल्ड। एक मेड हूँ जो घर साफ करती है, कपड़े धोती है, बर्तन मांजती है, कुक स्विम और वे स्विम टू कम होम सो दैट ही कैन यूज हर फॉर हिज प्लेजर एंड डजंट इवन गेट पेड फॉर इट। व्हाई डोंट ही जस्ट लीव द बास्टर्ड?
get a divorce, यहाँ आ जा, MBA कर, just move on with the life, वानी. एक भाग गई, एक का divorce हो गया. शॉपिंग चलेगी? शॉपिंग? इन कपड़ों में तो साथ नहीं ले जाऊंगी मैं. जिनके आशियानों में हैं बिजलियां, उन्हें अंधेरों की शिकायत है. जिनके आशियानों में हैं बिजलियां, उन्हें अंधेरों की बोरिंग शिकायत है. जिनके घरों में देखने को कुछ नहीं, इससे अच्छा तो घर में बैठ के दारू पी. क्या बात, तू ही सुना कुछ. हमने जो की थी मोहब्बत आज भी है, तेरी जुल्फों के साए की चाहत आज भी है. रात कटती है आज भी ख्यालों में तेरे, रात कटती है आज भी ख्यालों में तेरे. ये क्या थी इसे? दीवानों सी वो मेरी हालत आज भी है. किसी और के तसव्वुर को उठती नहीं, बेईमान आंखों में थोड़ी सी शराफत आज भी है. और इन लाइनों पर जरा दाद चाहूंगा. मिल गई दाद? चाह के एक बार चाहे फिर छोड़ देना तू, चाह के एक बार चाहे फिर छोड़ देना तू, दिल तोड़ तुझे जाने की इजाजत आज भी है. वो आज हमसे मिले अनजानों की तरह, हम यूं ही रात के बैठे थे दीवानों की तरह. हर निगाह में और दूर चले जाते हैं हमसे नजर चुराते हैं बेईमानों की तरह. हम यूं ही रात तक बैठे थे दीवानों की तरह. वानी रुक, सुबह मुझे जाना है. वानी सुन, मैं भी आती हूँ. वानी लौट के चली जाऊंगी. क्या हो गया? बुरा लग गया आकाश. बेईमान नहीं कहना चाहिए था, मजबूर कहना चाहिए था. आकाश रन, सॉरी आकाश. शी सॉरी. कितना आसान है ना. आई एम सॉरी कि मैंने किसी और से शादी कर ली. आई एम सॉरी कि मैंने एक दिन अचानक बिना मिले फोन करके ये कह दिया कि आज के बाद तुम मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं. व्हाट एल्स आर यू सॉरी अबाउट? आर यू सॉरी अबाउट कि तुमने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलवाया? काश. या फिर तुम मुझे अपने पति से नहीं मिलवा पाए? और आर यू सॉरी अबाउट द फैक्ट कि तुमने मुझे धोखा दिया? काश. चल यहां से. I'm sorry, Vani. I'm sorry that I ever loved someone as gutless, as spineless as you. Vani, 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 क्या बचपना है. सुबह चले जाना. मामा मामी को क्या कहेगी? कहते कि पापा ने बुला लिया, लेकिन मुझे अभी जाना है. Vani, गलती मेरी ही है. मैं एक बार फिर बीते दिन जीना चाहती थी, पर मैं ये भूल गई थी कि जिंदगी के कुछ पन्ने कभी वापस पलटकर पढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. वक्त के साथ उनका लिखा, उनका मायना सब बदल जाता है.
वानी, 2 साल, 2 साल मैंने खुद को ठीक से रोने भी नहीं दिया। एक कॉल करके उसने कह दिया कि सब खत्म, एक पल में सब खत्म, सारे सपने, सारे वादे, वो सारे हक मुझसे छीन के किसी और को दे दिए गए और उसने कुछ नहीं कहा। बहुत कोशिश की मैंने, खुद को काम में डुबो लिया कि उसके बारे में ना सोचूं, मैंने तारीख देखना बंद कर दिया कि मुझे पता ही ना लगे और उसकी शादी निकल जाए। जानता क्या सोच रहा था जब उसकी शादी हुई कि वो कैसी लग रही है? वो शाम बीती और उसके बाद हर शाम सिर्फ एक ही ख्याल कि यहां रात हो गई होगी और वो अपने पति के साथ होगी और वो मेरी थी, कैसे ठीक है जो हो रहा है उसने खुद चुना, उसकी कमजोरी की वजह से हो रहा है। अगर जो उसके साथ हो रहा है वो उसकी कमजोरी की वजह से हो रहा है तो जो तेरे साथ हुआ उसके लिए भी कहीं ना कहीं तो खुद ही जिम्मेदार है। जब वो कमजोर पड़ी तो तूने क्या किया? You left her all by herself just because of your mad ego. अगर उसने आसानी से कह दिया कि रिश्ता खत्म तो तूने भी तो आसानी से मान लिया। So if she's responsible for her miseries, you have no right either to blame her for yours. You lost her because you did not fight. Her parents, whoever it was, you needed to, yaar. देख, उसने जो किया उसकी भी कुछ वजह थी। वजह बताना आसान होता है, मानना मुश्किल। हाँ बोल। क्या जरो कुमार है? क्या हो?
गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. तुम इतनी जल्दी कब से उठने लगे? बस जब से नींद आनी बंद हो गई. दिल्ली अच्छी लगती है ठंड में. बैंगलोर में नहीं पड़ती? पड़ती है लेकिन ऐसी नहीं पड़ती. चाय? मैं बनाती हूँ. नहीं रुको, बन रही है, मैं लाता हूँ. थोड़ी कम है, चलेगी? तोड़ेगी. जब भी तुम्हारे हाथ में सिगरेट देखती हूँ तो लगता है मेरी वजह से है. सही लगता है. ये लो, दो तीन दिन की तो बात है. दो तीन दिन बाद फिर पीने लगोगे? मत पीना ना, बुरी आदत है. ये सोच के हंस रहे हो कि किस हक से कह रही हूं? मत पीना ना. वानी, यहाँ क्या कर रही हो? वो बल्ब ढूंढ रही हूँ, वो चांद वाला. तुमने कभी बताया नहीं अपने मम्मी पापा को? बताया, कई बार बताया, लेकिन हमारे यहाँ दिखाने को शरीर पे निशान ना हो तो समझाना जरा मुश्किल होता है. पराठे खाओगी? चल, मोटी हो गई हो.
मोटी हो गई हूँ, आंटी हो गई हूँ। टीवी बंद करो, कुछ दिखाना है। ओए इधर आ, जल्दी आ। अबे तो क्या सारा टाइम कैमरा लेके घुसे रहती है? पका मत। थके यार। What? कुछ नहीं, ये यहाँ लेटा हुआ था, ये उठा और बोला आ थक गया यार। ठंड में मर गई थी बायगॉड। चलो मुझे नींद आ गई, तुम लोग भी सो जाओ। उठ वानी, चल चल, गुड नाइट। गुड नाइट। चलना तू। पागल हो गया, लोग देख रहे, नीचे उतरना। अबे 8 दिन हो गए पप्पी नहीं दे रही। झूठ झूठ, 4 दिन पहले लाइब्रेरी में किसने दी थी? 4 दिन लाइब्रेरी में 3 सेकंड की पप्पी थी, वो कोई काउंट होती है? You're counting seconds? चकू जा, अब भी कूद। मैं नहीं बचाती। कूद रहा हूँ देख। कूद। छोड़ मुझे। छोड़। भाई। छोड़ मुझे, नहीं तो कूद जाऊँगा। छोड़ दिया पागल। छोड़ दिया पागल। नीचे उतार कर देना। क्या हुआ? कुछ पक्का ही रहता साला। तुम बताओ कितने नंबर चाहिए तुम? वो देता हूँ ना नंबर। वन टू फेल होने की बात। 2.2 2.3 इधर भी दे दे नंबर, मैं भी फेल हो जाऊंगा। अपनी नंबर वाली तुम उठ सकती? I'm not wearing a bra. So? So it will show. What will show? Don't you dare! You also want one? Shake! तुम जा कहाँ रहे? मुझे क्या पता? मुझे क्या पता मतलब? मतलब मुझे क्या पता? शेखर, डोंट लुक एट मी, आई डोंट नो एनीथिंग। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है कहाँ जा रहे हैं? चंडीगढ़ जा रहे हैं। चंडीगढ़? नहीं। शट अप, जस्ट हैव फन, डोंट बी एन आंटी। आंटी गाड़ी वापस घुमाओ।
आंटी बोला ना डोंट बी एन आंटी। आई वांट अ ब्रोकन अप होम। अरे लू जाने के लिए घर क्यों जाना है, यहीं कहीं देख के झाड़ियों में कर लो ना। मुझे 40 आया है। अरे 40 आया है ऐसा बोलो ना। हम क्या कर रहे हैं? I want her back. तो जानता है तो क्या बोल रहा? क्या वो खुश है? वो खुश होती तो मुझे दिक्कत होती कि वो मेरे साथ नहीं, पर इस बात की तसल्ली तो होती कि खुश है। I feel उसे लगता है कि उसे खुश रहने का हक ही नहीं है। I just want her to be happy for once. Okay, फिर? फिर शायद जब वो लौटे और उसे ये खुशी ना मिले तो उसे ये बात खटके और वो कुछ करने की हिम्मत करे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? हो गए अलके, चंडीगढ़ ऐसे ही जाना है? शॉपिंग कराते हैं। धक्का रात को और हो गई सुबह, नखरी ली उसको भी है लिया मना। दिया धक्का रात को और हो गई सुबह, नखरी ली उसको भी है लिया मना। छूटी जो बात थी कर ली है फिर शुरू, रास्ते भी हंस रहे जो है चले। बस मैं और तू, बस मैं और तू, बस मैं और तू। चलो कहीं पी कर आते हैं। Give me two minutes.
सुबह कितनी सुंदर है ना। वहां तो और भी सुंदर होती होगी। अकेले कहीं नहीं होती, तब होती है जब आँख खुले और कोई अपना साथ दिखाई दे। दो चाय और बिस्किट देना। जी अभी दो। आप ही अपने हनीमून को आए हो? नहीं। सोचना जो कल हुआ, सोचना क्या होगा कल, बहने दे बेफिकर बेपरवाह ये सारे पल। चाय में बिस्कुट डुबा, बारिश से बूंदे चुरा, औरों की ना सोच तू आ जा चले, फिर मैं और तू, फिर मैं और तू, फिर मैं और तू। चांद में चल अपनी पतंग उड़ाए, आसमां से फेंक लंगर तारे कुछ गिराए। बांध कन्नी चांद में चल अपनी पतंग उड़ाए, आसमां से फेंक लंगर तारे कुछ गिराए। कर बादल मुट्ठी में डर लांघे चुटकी में, चले आज चल इस तरह के ना थे रुके कभी। यूं मैं और तू, यूं मैं और तू, यूं मैं और तू।
कुछ भी ना मांगू मैं किसी की ना मानू मैं खुश है तू संग है तू बस इतना जानू मैं जो देगी हाथ तू दूंगा मैं साथ यू मैं तेरे साथ हूँ चल चल पड़े अब मैं और तू अब मैं और तू अब मैं और तू अब मैं और तू मैं गिनता हूँ ना नहीं कहते हैं रात कितनी भयानक क्यों ना सुबह जरूर होती है सूरज का तो पता नहीं लेकिन तुम चाहो तो सुबह से भी रोशनी हो सकती है हाय ठीक अंकल का कॉल आया था इस कॉल ड्यू टू देहरादून आज की सुबह सचमुच बहुत सुंदर थी तुम चाहो तो हर सुबह इतनी सुंदर हो सकती कुछ ख्वाब इतने सुंदर होते हैं कि टूटने के बाद भी हम आंख बंद करके कोशिश करते हैं कि जहां छूटा था वहीं से फिर शुरू हो जाए लेकिन ऐसा होता है क्या
तुमने कहा था ना, मैंने उसे अकेला छोड़ दिया था, इस बार नहीं। ज़्यादा खुश मत हो जाना, तुम्हारे लिए नहीं आया। एक बार पहले भी आना चाहता था पर आ नहीं पाया, सोचा इसके बाद शायद फिर कभी मौका ना मिले। तुम भी बैठो। नहीं, मैं आंटी के पास ही खा रही हूँ। अच्छा, मैं देखता। नहीं, तुम बैठो, मैं देखता। अरे रवि जी, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। जीते रहो, जीते रहो। आप तो कल आने वाले थे। बस ऑफिस से जल्दी फ्री हो गया था तो सोचा आज ही चला चलूं। आई 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 आई। सुधा, रवि जी आए। एकदम सही वक्त पर आए हो बेटा। सुखी रहो। बैठे ना। आइए। ये वाणी के कॉलेज के दोस्त हैं आकाश और शिखर। पानी पानी लाना। लीजिए ना, थाली लीजिए। हाँ जी। रवि जी को सो जा। अब गुड नाइट। वानी, यहाँ आओ। वानी
सोना नहीं है क्या? वानी क्या हुआ? क्या हुआ पापा? क्या हुआ रवि जी? पापा मैं रवि के साथ नहीं रह सकती। क्या मतलब? आई वॉन्ट अ डिवोर्स। व्हाट? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? किस बात का डर है आपको कि लोग क्या कहेंगे? अजय, अगर दीदी के साथ हो रहा होता तो कि उसकी शादी टूट रही होती तो शायद आप बहुत खुश हुए होते कि जो किया है भुगते, क्योंकि वो गलती उसकी खुद की होती। ये गलती आपकी है तो आप चाहते हो मैं समझौता करूं, क्योंकि ये गलती आपने की है, आप चाहते हो मैं उम्र भर ही गलती जीऊं। बेटा, हमने हमेशा तुम्हारा भला ही चाहा है और अब भी तुम्हारी झूठ, सब झूठ। आप मेरे भले के लिए नहीं, इस सोसाइटी की नजरों में अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए कह रहे हैं। मैं नहीं कहती कि पेरेंट्स को अपने बच्चों का पार्टनर चुनने का हक नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या फिर ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि बच्चे खुश भी हैं या नहीं? आज मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्यों जब एक बेटी अपने बाप से कहती है कि जो लड़का उन्होंने उसके लिए चुना उसके साथ वो खुश नहीं है, तो उसे सिखाया जाता है कि समझौता करो, सब ठीक हो जाएगा। और वही एक बाप से जब एक बेटी ये कहती है कि उससे गलती होगी तो उसका मजाक बना के उसे जताया जाता है और कहा जाता है भुगतो। लेकिन क्या कमी है तुम्हारे जिंदगी में? ये सब तो सबके घर में चलता रहता है, बस तुम एक बार अपनी फैमिली शुरू करो। आपको समझ क्यों नहीं आता? फैमिली स्टार्ट करना कोई सलूशन नहीं है, इससे तो मैं और फंस जाऊंगी। This is a dead relationship. और जिस इंसान के साथ मैं अपनी लाइफ का एक पल नहीं बिताना चाहती, उसी के साथ एक नई जिंदगी को कैसे जन्म दूं? अगर हर घर में बीवी की इज्जत टूटी जाती तो मुझे नहीं चाहिए घर। आपको मेरी खुशी से ज्यादा परवाह इस बात की कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे? अगर आप इस सोसाइटी के डर से चाहते कि मैं अपनी जिंदगी के साथ समझौता करूं तो नहीं, मैं आपकी गलती जीने को तैयार नहीं। क्योंकि कोई गलती, चाहे वो किसी से भी हुई हो, कोई गलती इतनी बड़ी नहीं होती जिसे जिंदा रखने के लिए जिंदगी का गला घोट दिया जाए। पापा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं आपके लिहाज में कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरी वाइफ जो मेरी इज्जत है, सबके सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। कैसी इज्जत? वो इज्जत जिसे तुम खुद तो हर रात लूटते ही हो और दिन में अगर कोई लूटने की कोशिश करे तो बचाने की हिम्मत नहीं रखते। बहुत शराफत दिखाई मेरे पापा सिर्फ आपका लिहाज करके, लेकिन बहुत हो गया। आई डिडंट वांट टू डू दिस बट आई गेस इट्स हैपेंड टू बात ये है। देख लीजिए, सारा खेल तो ये है, इस चक्कर में मिल रहा है मुझे इल्जाम। गलती मेरी ही थी, जिस खून में एक खोट है उसी में मैंने डुबकी लगा ली। देख लो, आज तुम्हारी वजह से हमें क्या सुनना पड़ गया। काश मैं आपको बता पाती कि आपकी वजह से मुझे क्या जीना पड़ गया।
क्या सोच रही हो? काश मम्मी पापा समझ पाते। समझ जाएंगे, थोड़ा वक्त लगेगा पर समझ जाएंगे। Wanted to know कि मैंने अपने लिए किया है। I don't want you to feel. मुझे खुशी है कि ये तुमने अपने लिए किया। That does not mean I don't love you. I also don't not love you. चलो सुनो, आई लव यू। अगले महीने से ना ग्रोसरीज के पैसे देना शुरू करो। अबे इतनी रात को कहाँ जाएंगे हम दोनों यार? निकलो, निकलो, जा, समय से फलक बेधड़क इतराते हुए पल खाते हुए बादलों के परे गोते खाते हुए बेहया बेशरम कट के भागे हुए सर फिरी मन चली पागल पतंग तुम हो जाना गजल तुम हो ओ, ओ, ओ बेफिकर बेरहम जाना कतर तुम हो सर तेरी मन चली पागल पतंग तुम हो तुम हो हाँ तुम हो